सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, ये वीडियो का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको डराया जाए। आपको बस इतना बताना है ना, आपका परिवार आपकी जिम्मेवारी, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने, ना नेता ना कोई पार्टी। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, और जितना भी निगेटिव चीज आपके दिमाग में आता है उसको पहले जल्दी से निकाल कर फेंको। एक डॉक्टर का वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो में अच्छे से देखना। और एक बात, निगेटिव चीज को दिमाग से निकालकर बहुत दूर फेंक दो आप सभी, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में यह बात आ रहा होगा, लाखों लाखों का रैली किया जा रहा है नेता के द्वारा, वहां कोरोना नहीं फैल रहा, ये सब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है। तो एक बात याद रखना, अगर नेता को कोरोना हो गया ना, तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हिलकर रह जाएगा, बेड की कमी नहीं, बेड का तो लाइन लग जाएगा नेताओं के लिए। लेकिन अगर आम पब्लिक को हो गया ना, तो एक बेड भी नहीं मिलेगा। ये अंतर है नेता और आम जनता में। नेता के लिए हम सभी एक मामूली इंसान है 130 करोड़ के आबादी में, कोई नहीं जानता है भाई, कोई नहीं जानता है हम लोगों को, कौन जानता है। लेकिन अपने परिवार के लिए आप बहुत अनमोल हो, ये बात आप समझिए। आपके परिवार के सदस्य आपके लिए बहुत अनमोल है। इस वीडियो को पूरा देखो, सभी लोगों तक पहुंचाओ ताकि सभी लोग सतर्क रहें। और गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है, और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विथ ऑक्सीजन, एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। So I really, really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग please safe रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से कोरोना नहीं हुआ है, इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं, आई मीन वी हैव अ 35 ईयर ओल्ड हुज़ ऑन द वेंटिलेटर and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So I think ये जो emotional breakdown है हम doctors में, अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, because we've not been so helpless, okay? So most importantly, please take care of yourself. Right now, COVID is everywhere around you. Okay? तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter. You have to be masked. Okay? Just because आपको अभी एक साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। You can still get COVID. तो Please keep yourself very well masked at all times. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन दे के मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लीव बेड्स
for people who actually need it, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, agar aapne vaccine nahi li hai kisi bhi karan se, ho sakta hai aap travel kar rahe ho, ho sakta hai aapko vaccine ki hichak ho, ho sakta hai aapne kuch WhatsApp pe forward padha ho ki vaccine ke wajah se kuch side effects ho rahe hai ya kuch ho rahe hai, it's untrue. Please take your vaccine. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के दो वैक्सीन के शॉट्स होकर दो हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक कोविड 19 लाइकली. प्लीज प्रे फॉर द पीपल इन द हॉस्पिटल एंड प्लीज प्रे फॉर द फैमिलीज and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पर रहो, आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पर रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड, तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think agar hum sab itna dhyan rakhenge we will definitely come through this second wave very well. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So third wave ka hum baad mein sochenge, wo to nahi aana chahiye, par jo ye second wave hai isse humko koi bhi halat mein ekdam safely nikalna hai. Okay, take care, I really love you. बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए, बिल्कुल लाइटली मत लो कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा ये वाला, बिल्कुल नहीं. बहुत अलर्ट होकर बिना डरे हुए एक अच्छे वॉरियर की तरह अपने परिवार में, बोलते ना फ्रंट लाइन वॉरियर, तो अपने परिवार में आप फ्रंट लाइन वॉरियर बनिए. ठीक है, मेरा मेन मकसद ये है आप सभी को बताना, क्योंकि ये पल भी बहुत जल्दी हमारे जीवन से गुजर जाएगा और फिर से हमारा एग्जाम टाइमली होगा, पढ़ाई टाइमली होगा, सब कुछ टाइमली होगा. बस इस पल को ना बहुत अच्छे से हमें गुजार देना है, खुशी खुशी. ठीक है, और ये तब होगा जब ये जिम्मेवारी अपने कंधे पर आप संभालोगे, तब अपने परिवार की वैल्यू समझो. नेता के बारे में बिल्कुल मत सोचो कौन नेता क्या कर रहा है, कोई नेता आज के डेट में हमारे बारे में नहीं सोचता है, ये एक रियलिटी है भाई, सच्चाई बता रहा हूं मैं आप सभी को. वीडियो देख रहे हैं ना, कम से कम आपका फर्ज बनता है आज की डेट में कि हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए.